बी रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन, द सेवेंथ फाइव ईयर प्लान प्रेजेंटेड टू अस आई वेरी हम्बली सबमिट इज नॉट इवन वर्थ द पेपर ऑन विच इट इज प्रिंटेड अबाउट द डायरेक्शन माई ऑनरेबल फ्रेंड हैज स्पोकन एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट द सेम ए प्लान विच हैज नो डायरेक्शन ए प्लान विच इज ओनली मेंट फॉर स्टेटस क्वो नॉट ओनली स्टेटस क्वो ए प्लान विच इंक्रीजेस डिस्पैरिटी एंड इनइक्वालिटी ए प्लान विच टेक्स द कंट्री बैक इकोनॉमिकली कैन नॉट बी said to be a plan at all. The planning commission has expressed some pious hopes and said inflation is the main obstacle. Yes, you have identified it, but unfortunately, if I may make a little digression, the planning commission is a dumping ground for unwanted ministers, a man who is not doing good work has been dumped there. So you can see the seriousness of it. You have identified inflation, but how do you solve it? The finance minister, which is in charge, is taking steps towards increasing inflation. The industry ministry, the agriculture ministry, they are following policies which will increase inflation. So for what purpose are you identifying a malady for which you have no remedy already? The budget of this country is dependent on 75% loans from outside, and we have to go begging to the World Bank and other international monetary institutions. How can you plan when your budget is dependent to that extent on foreign resources? Only the other day we were told that Rs. 500 crores are coming from the International Monetary Fund with all their conditions to which we have agreed, and these conditions have not been disclosed. All these will lead to further inflation. Then we have an economy of shortages. When you are following a policy of economy of shortages, do you think that inflation can be contained? Who does not know that there is economy of shortages? Then there is black money. After the Supreme Court decision on the black bonds, even in black bonds, there is black market. Yes, there is black market in black bonds. Do you think that with all these phenomena and all these policies and steps, you will be able to contain inflation? And if you cannot contain inflation, and if inflation is allowed to go on, then as my friend asked, what is the plan worth for the poor of our country? My friend said that today it is 37%, and I say it will go on increasing in the industrial sector. You have put some targets, but what is your industrial
पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1985, योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी टेल मी मिस्टर प्लानिंग मिनिस्टर विद ऑल दीज पॉलिसीज यू आर फॉलोइंग डू यू थिंक यू कैन अचीव योर टारगेट्स कैन एनीबडी प्लान विद दीज पॉलिसीज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन आई वुड लाइक टू हैव एन आंसर टू दिस फ्रॉम द प्लानिंग मिनिस्टर व्हेन ही रिप्लाइज टू द डिबेट इफ देयर इज ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेयर इज योर टारगेट इफ देयर इज रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी व्हाट विल हैपन टू योर टारगेट विद एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हाउ कैन यू प्लान दैट डिपेंड्स ऑन द वेगरीज ऑफ इंटरनेशनल सप्लाई एंड डिमांड पोजिशन एंड टू सर्टन एक्सटेंट इंटरनेशनल पोलिटिकल सिचुएशन हाउ कैन यू फॉरकास्ट दीज नाउ कम टू एग्रीकल्चरल सेक्टर आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड द सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुली यू आर गोइंग इन फॉर मैसिव इम्पोर्ट वट विल हैपन टू योर टारगेट इन दिस सेक्टर इन द प्लान वेयर इज द प्रोविजन फॉर फ्लड ड्रॉट एंड अदर वेगरीज ऑफ नेचर द होल गंजेटिक प्लेन इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इट कैन बी टर्नड इन टू द वर्ल्ड्स ब्रेड बास्किट बट हाउ कैन यू डू इट विद द प्रियोरिटी यू हैव गिवन फॉर इरीगेशन इफ यू हैव ए प्लान टू टैकल दिस रीजन देन यू वुड हैव कंटेंड ड्रॉट टू सम एक्सटेंट कमिंग टू फ्लड यू हैव ए फ्लड कमिटी रिपोर्ट आई डू नॉट नो वेदर दिस फैक्ट हैज बीन ब्रॉट टू योर नोटिस बिकॉज आई डू नॉट फाइंड एनी रिफ्लेक्शन ऑफ इट इन दिस प्लान डॉक्यूमेंट दे आर इन थ्री और फोर वॉल्यूम्स एंड दे आर गैदरिंग डस्ट समवेयर नॉट ए सिंगल थिंग हैज बीन नोटेड फ्रॉम देम नॉर इज देयर एनी डायरेक्शन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स और टू डू एनीथिंग टू कंट्रोल द फ्लड्स दे डू नॉट फाइंड एनी रिफ्लेक्शन हेयर देन सर आई कम टू द क्वेश्चन ऑफ एनर्जी सर टूडे इट इज एग्रीड डैट इफ यू वॉन्ट ए फॉरवर्ड इकॉनमी इफ यू वॉन्ट ए डिवेलप्ड इकॉनमी यू विल हैव टू गो इन फॉर फ्यूजन एनर्जी योर प्लान इज फॉर सम सोलर एनर्जी एट द मोस्ट एंड फॉर सम प्रीटी थिंग्स ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर देयर बट एज आई सेड दोज थिंग्स विल कीप योर इकॉनमी मूव बैकवर्ड सो इन दैट फील्ड आल्सो योर प्रियोरिटी इज रॉन्ग अनलेस यू प्लान फॉर फ्यूजन एनर्जी यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी एंड इफ द एनर्जी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट इम्प्रूव एनी मोर स्टॉप